कचहरी चौक पर परिवर्तन के सदस्यों एवं किसानों के द्वारा खाद की कालाबाजारी के खिलाफ फूका गया पुतला। खाद बीज कालाबाजारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कृषि मंत्री अमेंद्र प्रताप सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। गेहूं और रबी फसल की बुआई के समय हो रही खाद की किल्लत, बुधवार को जमुई कचहरी चौक पर सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान किसानों और परिवर्तन के सदस्यों ने जमकर सरकार और कालाबाजारी में लिप्त खाद के थोक विक्रेता और कृषि पदाधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। आंदोलन में आए हुए किसानों ने कहा कि भारत सरकार बिहार सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। परिवर्तन के पूर्व अध्यक्ष राज स्वाभिमानी ने कहा, जब किसानों को खाद बीज की किल्लत रहेगी तो किसान खेती कैसे कर सकते हैं। एक और जहां बेतहाशा महंगाई की मार तो दूसरी ओर सरकार खाद बीज की आपूर्ति में अक्षम्यता बेहद चिंताजनक है। जो खाद्य उपलब्ध है उसे उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करने के बजाय कालाबाजारी करने की छूट दे दी गई है। परिवर्तन के जिला उपाध्यक्ष धनंजय कुमार यादव ने कहा कि 15 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार फेल हो गई है, इसलिए आज किसान आक्रोशित है और सड़क पर उतरने को मजबूर है। पवन कुमार ने कहा, सभी दुकानों पर कृषि विभाग ने कोऑर्डिनेटर व कृषि सलाहकार नियुक्त किया है ताकि कालाबाजारी ना हो, ऊंचे दाम पर नहीं बिके। लेकिन कालाबाजारी से खाद कैसे मिल रहा है इसका जवाब अधिकारी नहीं दे रहे। उपाध्यक्ष गुड्डू सिन्हा ने जमुई के किसानों को आह्वान करते हुए कहा कि जमुई के किसान एकजुट हो और भ्रष्ट नेता व कृषि अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन को तेज करे, तभी सरकार उनके साथ न्याय करेगी। वहीं परिवर्तन के वर्तमान जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के मंत्री एमएलए अधिकारी अन्य कार्यों में लगे हैं, किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सरकार और कृषि अधिकारी को चेतावनी देते हुए परिवर्तन के अमित कुमार सिंह ने कहा, अगर सरकार खादों की आपूर्ति जल्द से जल्द किसानों को नहीं की तो किसानों के साथ मिलकर धारदार और चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में विरोध करने के लिए हम विवश होंगे। मौके पर आए हुए किसान प्रताप सिंह, महेश सिन्हा, देवन सिंह, साजन साहब, अमर रावत आदि मौजूद। क्या नाम हुआ आपका पहले? राजकुमार सिंह। तो ये जो आप लोग तालाबंदी किए हैं यहाँ कृषि विभाग में, तो क्या उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है, एक महीना से ऊपर हो गया है, हम लोग आवेदन दिए हैं, अलग अलग प्रखंड से हमारे संगठन के लोग, परिवर्तन संगठन के लोग आवेदन दिए हैं किसानों के साथ मिलके, कृषि पदाधिकारी का, समन्वय पदाधिकारी का, कि आप जो यूरिया और खाद का जो किल्लत हो रहा है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रहा है, इसको कैसे बंद कर, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो सिर्फ आश्वासन मिला कि कल ये कर देंगे ठीक, परसों ये कर देंगे ठीक, लेकिन अभी तक इस पर एक भी कार्रवाई नहीं हुआ है। फोन से बोलते रहते हैं तो कहते हैं कि कल कर देंगे ठीक, परसों कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और यहाँ के किसान, कृषि पदाधिकारी, यहाँ के नेता दोनों लूटने में लगे हुए हैं किसान को, लूटने को लेकर लगे हुए हैं। मतलब मुख्य जो प्रमुख जो धरना का ही कारण है वो क्या है? अभी देखिए, वर्तमान में रबी फसल लग रहा है, गेहूं का बुआई हो रहा है, डीएपी मिल नहीं रहा है, बहुत सारा किसान बिना डीएपी का रबी लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। बताइए, बिना डीएपी का गेहूं और रबी लगेगा तो फसल होगा? एकदम फसल नहीं होगा। और जहाँ कहीं डीएपी मिल रहा है, देखिए 2100 मिल रहा है, 2200 मिल रहा है, कोरोना के 2 साल में किसान के पास पैसा नहीं है जो 2100-2200 में बारिश होगा खाद खरीदेगा, किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा? आत्महत्या करने से बढ़िया है कि यहीं पे इन्हीं के सामने हम लोग आत्महत्या करने का करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे घर पे जो आत्महत्या कर लेंगे, फसल जो मेरा खत्म मर जाएगा, उसे अच्छा है कि यहीं पे हम लोग सुसाइड कर लेंगे। मतलब लाइसेंसधारी जो विक्रेता हैं उनके द्वारा डीएपी और यूरिया जो है वो अधिक कीमत में दिया जा रहा है, उसके कारण से आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? दोनों मिले हुए हैं, कृषि पदाधिकारी या लाइसेंसधारी जो दुकानदार है, वो दोनों गठजोड़ है, दोनों मिल के लूट रहे हैं। और इनके खिलाफ कोई भी नेता कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरन किसान को यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे जाए दुकान चोरी जैसा उसको दे, ये तो अजीब सा हो गया, कहाँ सब क्या सो गया, क्या कौन सा नींद का दवाई खा के सो गया, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, जो अभी आप लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार का पुतला दहन किए, बाद में कृषि विभाग में एक दिवसीय आप लोग तालाबंदी करने का काम किए हैं, तो इसका उद्देश्य है यूरिया डीएपी के दाम को जो है ओरिजिनल में जो सरकार जो दाम दी है पोस्ट मशीन में वही कीमत लिया जाए? बिल्कुल वही कीमत में, और आसानी से सुविधाजनक मिल जाए, जितना चाहे उतना उसको मिल जाए, उसके लिए आप लोग यहाँ बैठे? जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग बैठे हुए। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश सिंह। तो ये जो आप लोग किसान हैं? जी। तो ये किसान हैं तो क्या कमी आ रहा है, क्या मतलब जरूरत पड़ गया कि किसानों को आज अपने अधिकार के लिए तालाबंदी पुतला दहन करना पड़ रहा है? आज लगभग 10-15 दिन से हर जगह पूरे जम्मू जिला में ये देखने को मिल रहा है कि जिस डीएपी का कीमत 1200 रुपया होना चाहिए उसे किसान कहीं 1600 में उठा रहा है, कहीं 1700 में, कहीं
1250 में। अब सवाल उठता है कि जो चीज जिस चीज का कीमत 1200 रुपया है, आखिर उसे किसान क्यों 1700 और 1600 में उठाए, जब आवेदन के जरिए परिवर्तन के द्वारा आवेदन दिया गया फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर कहां सो गया है। जिस समय चुनाव का समय आता है तो नेताजी लोग आते हैं चुनाव में, कहते हैं अन्नदाता सबसे पहला प्राथमिकता हम अन्नदाता को देंगे, तो आज हमारे नेताजी सभी जीत करके कोई सांसद बन गए हैं, कोई विधायक बन गए, कोई मंत्री बन गए हैं, तो क्यों नहीं किसान के दर्द को सुन रहे हैं। जो किसान भटक रहा है, लाइन में लग रहा है, आज घूम रहा है कल हर रोज वो घूम रहा है, और 10 दिन के बाद पता चलता है एक बोरी मिलता है, वो भी कितना, तो 1700 में 1600 में। तो कहाँ है कृषि पदाधिकारी, कहाँ है कृषि मंत्री, और कहाँ है विधायक, क्यों नहीं अन्नदाता की आवाज को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृषि पदाधिकारी तो कह रहे हैं कि जमुई में खास रूप से डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं है, और जो 1200 रुपया डीएपी और 266 रुपया में यूरिया दिया जाता है वही सब दुकान में दिया जा रहा है। कहाँ कृषि पदाधिकारी चल करके तो दिखाएं, हमारा घर महादेव सिमरिया है सिकंदरा प्रखंड में, चल करके दिखाएं क्या वहां पर डीएपी 1200 रुपये में मिल रहा है, वहां भी लोग 1600 1700 वो भी चोर के तरह उठा रहे हैं।